शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बनाने के लिए, जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए, जिंदगी को लाजवाब बनाने के लिए, जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए अगर जिंदगी में एक ही चीज की जरूरत है तो वो जरूरत है भावनाओं की, भावों की, संवेदनाओं की, कुछ हंसी की, कुछ ठहाकों की, कुछ मुस्कुराहट की और कुछ आंसुओं की भी। जिंदगी में अगर ये नहीं है तो यकीन मानिए आप जिंदा है ही नहीं, हम जिंदा है ही नहीं। लफ्जों से, अल्फाज से, रदीफ से, काफिए से, गजल से, नज़मों से, कविताओं से, छंद से, दोहों से, सिवैयों से एक बार मोहब्बत कर लीजिए और फिर देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। आप खुद अपनी जिंदगी के लिए कहेंगे वाह भाई वाह। इसलिए तो हर रात हम 10 बजे चले आते हैं आपके घर के दरवाजों पर और हमें दस्तक देने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम तो वो मेहमान हैं जो आपसे पूछकर नहीं आते। आप बाहें फैला के हमारा स्वागत करते हैं। करोड़ों लोग इस देश के रात को 10 बजे जब टेलीविजन चैनल खोलते हैं और इसलिए खोलते हैं कि आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आपके सामने खड़ा होगा और जब खड़ा होगा तो ये कहेगा, वो कहेगा, ऐसे कहेगा, वैसे कहेगा, कुछ भी कहेगा, लेकिन देश कहेगा वाह भाई वाह। दोस्तों, रविवार की रात अगर हम आपके लिए कुछ विशेष लेके आए हैं तो कुछ तो विशेष हो गई। और वैसे जिंदगी में सब कुछ विशेष है लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी में इतना विशेष रह जाता है कि कुछ शेष नहीं रहता है और सिर्फ अवशेष होता है। जैसे एक लड़का मेरे पास बड़ा खुशी खुशी आया, अरे मजा आ गया बॉस। मैंने कहा क्या हुआ? गर्लफ्रेंड बन गई अपनी। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या नाम है? सिमरन। बहुत अच्छा बढ़िया सिमरन। 3 दिन बाद रोता है। मैंने कहा क्या हुआ? मत पूछो। अरे मैंने कहा हुआ क्या? मत पूछो। मैंने कहा क्या हुआ सिमरन का? सिम बदल के रन कर गई। अब तो अवशेष ही बचे। अच्छा, हमारे देश में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो हमारे देश के संवाद बिल्कुल अलग होते हैं। पूरी दुनिया में कहीं किसी की गर्लफ्रेंड बन जाए, जैसे अमेरिका में, तो माँ बाप क्या कहेंगे? माय सन इज इन रिलेशनशिप नॉर्मली। और कोई दोस्त इंग्लैंड में, जहाँ पे मान लो और कोई देश हो और वहाँ पे हो जाए ऐसा कोई, और माय सन इज डेटिंग। हिंदुस्तान में अगर लड़के के साथ ऐसा हो जाए, माँ किसी चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया आजकल, ये रात को 2-2 बजे तक बात करता रहता है, ये हमारे देश में हो सकता है। अद्भुत, हमारे देश में लोग काम भी तो ऐसे करते हैं ना। मेरे पास एक आया लड़का, मेरे दुकान वाले धक्के मार के निकाल गया मुझे। मतलब धक्के मार रहे, मतलब तूने कुछ ऐसा किया? मैंने क्या किया? दुकान थी, शादी का सब सामान मिलता है, मैं चला गया। मैंने कहा दुल्हन है क्या? मैंने कहा इस पे तो धक्के ही पड़ेंगे तुझे और क्या होगा। लेकिन जब शादी हो जाती है तब दिक्कतें होती है। जैसे एक पति आते ही अपनी पत्नी को डांटने लगा, बाहर गड़ा बाड़े कर, इसको क्या हो गया, बाहर सामान पैक कर, बाहर चलो घर जाओ अपने। हुआ क्या? हुआ क्या? मेरे पापा का मैसेज आया आज फोन पे, अगर दूसरी शादी करेगा तो मैं सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दूंगा, आज ही निकल, मैं कर रहा हूँ दूसरी शादी कर रहा हूँ, भाग जा भाग जा। और सोच, अरे पर वो बोली एक मिनट मैं बात तो सुन, ना कुछ नहीं सुनना है मुझे, अरे मेरी बात सुन लो एक बार, नहीं सुनना है, माफी मत मांगना, मैं करूंगा दूसरी शादी, प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, पापा ने कहा है दूसरी शादी कर लो, सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, तुम बाहर जाओ, महीने का खर्चा चाहिए तो भेज दूंगा, अरे मेरी बात सुन लो, नहीं सुनना है बात। अच्छा बोल, क्या बोल रहा था वो? गलती से आप मेरा फोन ले गए थे, मेरे पापा का मैसेज। आदमी को बोलने के पहले बड़ा सोचना समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो बोलने वाले बड़े कलाकार लोग हैं ना। एक दामाद गया ससुराल में, और जब ससुराल में गया तो सुबह सुबह साली जी है जो बड़ी गिलास में बड़ा दूध भर के लेके आई, अब पिलाया, शाम को छोटी गिलास में लाई। अब दामाद कोई हमारे जैसा था, बोले साली जी बड़ी गिलास की तबीयत खराब है क्या? हृदय, संवेदनाएं, मन, मस्तिष्क, विचार और व्यवहार, ये हमेशा ऐसे होने चाहिए कि उसमें हम सीमित ना रहें, संकुचित ना हो, हम हृदय के द्वार खोल दें ताकि दुनिया हमारी और खूबसूरत निगाहों से देख सके और हम इस दुनिया को और खूबसूरत
बना सकें। और आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए आज रविवार की रात हम विशेष एपिसोड इसलिए लेके आए हैं कि कल से शेमारू उमंग पे रात 7:30 बजे एक नया शो प्रारंभ हो रहा है, जिस शो का नाम है कुंडली मिलन, जो अद्भुत है और जिसके कलाकार कमाल के हैं। तो हमें लगा कि हम उन कलाकारों से जरा आपको मिलवाएं और वाह भाई वाह का एक विशेष एपिसोड करें आज कुंडली मिलन के नाम। तो मैं बुलाना चाहता हूं उन 3 कलाकारों को जो कुंडली मिलन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, वो है अंजलि, यश और ऋचा। जोरदार तालियों के साथ भाई वाह। स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो आपको इस नए शो की बहुत बहुत बधाई जो कल से प्रारंभ होने जा रहा है 7:30 बजे। तो क्या किरदार निभा रहे हैं आप? मैं यश का किरदार निभा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, मतलब मुझे लगा कहीं गलती से तो मुझे ऋचा तो नहीं समझ रहे। हाँ, नहीं नहीं, मेरे कलर ऐसा है ना। हाँ, नहीं नहीं, पर तुम्हारी ये है ना। अरे हाँ सर, आजकल तो कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, तो तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें ऋचा समझूं? नहीं, क्योंकि कहाँ मैं इतनी खूबसूरत हूँ। मेरे को डर लग रहा है, अंजलि इधर आ जा। मैं चाहता यही था कि ये फ्रेम यहाँ पर आ जाए और दोनों लड़के आप पास रहे। बिल्कुल सर, क्या करूँ। क्या उम्र है किसकी? तुम्हारी? मेरी उम्र में क्या रखा है सर? स्वीट 16। सर कितने साल हो गए स्वीट 16 में? 16 में इतनी दाढ़ी क्या लगा रहे हो आजकल? बड़ा प्रोमो, ब्यूटीफुल प्रोमो। थैंक यू। सबसे पहले तो ये प्रोमो बड़ा खूबसूरत है। कहानी आप तीनों कमाल लग रहे हो। क्या बात है। अब बताएं अपने किरदार के बारे में कुछ, या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं शो से आप? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं अंजलि अग्रवाल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये कहानी मथुरा, यूपी मथुरा की कहानी है और वहाँ पे बहुत ही सिंपल फैमिली है। अंजलि की अगर बात करें तो ये एक अनाथ लड़की है जिसको अग्रवाल परिवार ने बड़ा किया है और ये उनके एहसानों में उनसे बहुत प्यार करती है, उनके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करती है, तो ये उस परिवार की खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्या बात है। और आप ऋचा? मैं ऋचा अग्रवाल का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ऋचा जो है एक बहुत ही नाजों से पली, बहुत ही नाजुक सी जो लड़की है, जो कि बहुत फैशनेबल है और अपने सिर्फ परिवार को लेकर और अपनी बहन को लेकर बहुत ज़्यादा सबसे प्यार करती है, तो बस यही उसका कैरेक्टर है। तो और आप दोनों के बीच में यश है मतलब? बिल्कुल, दोनों के बीच में नहीं एक्चुअली। yes. यश अभी बीच में है लेकिन यश बहुत ज़्यादा ऋचा से प्यार करता है। yes. और लंदन रिटर्न है, 5 साल बाद मथुरा वापस आया है और शादी करना चाहता है वो। तो इन्होंने तो अपनी पसंद बिल्कुल क्लियर कर दी, ऋचा से प्यार करता है। अंजलि की पसंद भी बिल्कुल क्लियर है, वो चार प्रॉब्लम नहीं। अंजलि आओ, हम चलते हैं, छोड़ दो ये जमाना। अंजलि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और आज यहाँ कविताओं की महफिल होने वाली है, यहाँ कमाल होगा, हंसी होगी, ठहाके होंगे, तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का विशेष एपिसोड कुंडली मिलन के नाम, हमारे साथ है यश, अंजलि और ऋचा। और हमारे साथ यहाँ वो कवि है जो आज बड़ी इस महफिल में कमाल करने वाले हैं और वाह भाई वाह के मंच पे। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नए लोगों को प्रस्तुत करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है और ये मेरा फर्ज है और ये मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने एक बीड़ा उठा रखा है कि इस देश के गली कोनों में जहाँ भी प्रतिभा होगी उन्हें हम ढूंढ के लेके आएंगे। और आज के इस एपिसोड में सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनमें से 4 लोग पहली बार टेलीविजन पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले हैं रौनक पारिक जो जयपुर राजस्थान से, विकास बैरागी हमारे बीच में मध्यप्रदेश से आते हैं, ज्योत्सना कलकल जो गुरुग्राम हरियाणा से हमारे बीच में है, और कमल माहेश्वरी हमारे बीच में जो पहले भी आ चुके, आज एक बार फिर हमारे साथ कमल माहेश्वरी। पिपरिया मध्यप्रदेश से हमारे बीच में हरीश पांडे। भाई महफिल की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले विकास बैरागी, जोरदार तालियों के साथ। सिमारू टीवी के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक आशिक अपनी बेवफा के लिए क्या लिखता है। आशिक अपनी बेवफा के लिए क्या लिखता है जी, जो उसको धोखा दे गई है।
उसके लिए एक ही चीज लिखता है, जामर। सुना कि भूल गई क्या जगह जगह पे तेरे मेरे चर्चे थे, भूल गई क्या जगह जगह पर तेरे मेरे चर्चे थे, भूल गई क्या तेरे खातिर कितने पैसे खर्चे थे, भूल गई क्या बाप ने तेरे मारा मुझको चाटा था, भूल गई क्या मुझको तेरे कुत्ते ने भी काटा था, महंगे महंगे तोहफे देकर लगता कितना घाटा था, अरे मेरे हिस्से का भी हरदम मैंने तुझको बांटा। बहुत बढ़िया। और फिर भी दिल को तोड़ गई, मुझको अकेला छोड़ गई, दुख दर्द को मेरे जीवन में तू डायन जोड़ गई, अरे हाय 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 लगेगी तुझको मेरी, अरे हाय लगेगी तुझको मेरी, तेरा भी बुरा हो जाए, तेरे जीवन का भी सारा मजा किरकिरा हो जाए, और तेरी भी खुशहाल जिंदगी बस से बदतर हो जाए, तू जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी ही पंचर हो जाए। तू जाए जिस रास्ते पे उस रास्ते पे केवल कांटे हों, तेरे जीवन में भी रोने धोनी की ही बातें हों, तुझे भालू जैसा ससुर मिले और चालू वाली सास मिले, तुझे समझने वाला जीवन में ना कोई खास मिले, तेरी नाक बहे तुझे सर्दी हो, तेरी सांस बड़ी बेदर्दी हो, सपने में तुझको सांप दिखे, सांपों के भी बात दिखे, सपनों में तुझके सांप दिखे और सांपों के भी बाप दिखे, तेरी चाय में सब कुछ ज्यादा हो और उसमें कड़वापन ज्यादा हो, और हर समय तू ज्यादा सोचे और तुझे कोई बिल्ली नोचे, हर कोई बस तुझको कोसे, कोई ना तेरे आंसू पोछे, थकल से बिल्कुल जंगली हो, बाल झड़े तू टकली हो। इनमें आंसू भर जाए, तू जब भी मंडप बे बैठे तेरे सर की बिग भी गिर जाए। खाली टकली से जी नहीं भरा। तुझे एक हाथ का पति मिले और एक दांत का पति मिले, तुझे एक हाथ का पति मिले और एक दांत का पति मिले, उम्र है तेरी 26 पर तुझे 60 का पति मिले। और सुहाग रात स्वच्छंद हो, उस टाइम कुंडी ना बंद हो। और दुखों की रात ये तेरी छोटी नहीं बड़ी सी हो, तेरे हाथ में दूध का मग्गा हो, पर पति के हाथ में बत्ती सी हो। कविता पढ़कर मैं फेमस हो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर हर मुकाम को पाऊंगा, और मेरी शोहरत देख के तू हर दम खुद को ही कोसेगी, क्या गलती कर दी तूने ये बार बार ये सोचेगी बार बार, क्या बात है, शाबाश शाबाश, क्या बात है बेटा, कुंडी न तेरी बंद हो, पति के हाथ में 32 ही हो, तू 26 की हो, तुझे 60 का पति मिले, बहुत बढ़िया, क्या बात, बद्दुआ दे रहा था, कैसा लगा हमारे तीन मेहमानों को? बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इतनी दुख भरी बात को कितने अच्छे ह्यूमर के साथ आपने बताया है कि नहीं, ह्यूमर तो हमें लग रहा था। ये तो गुस्से में ही बता रहा था। हाँ, मतलब हमें बहुत हंसी आई, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। यश, मुझे तो लगा भाई तुमने मेरी बात बोल दी बिल्कुल। मतलब जो जो मैंने नहीं सोचा था वो भी बोल डाला भाई, क्या बात है। अब रिकॉर्ड करके भेज दो वॉइस नोट। भेज दिया, ऑलरेडी ऑलरेडी, वाह भाई वाह। प्राची उर्फ रिचा, मुझे लग रहा है इन पर बहुत गंदी बीत रही है इस टाइम पर। सचमुच इतना गुस्सा, मतलब बहुत ज्यादा, किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है क्या आपको? कहना यही है कि जो मेरी मोहब्बत थी अब उसकी 4-5 छोटी छोटी मोहब्बत है। तो ये थे हमारे बीच में विकास बैरागी, जो मध्य प्रदेश से आते हैं और नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में थे, इन्होंने कमाल कर दिया, और आइए बढ़ते हैं आगे। शादी का वरदान, और मैं बुलाना चाहता हूं उस कवि को जिसके पास मोहब्बत का एक अलग अंदाज है, वो उन लोगों की मोहब्बत की बात करता है जिस उम्र में कोई बात नहीं करता। मैं बुलाना चाहता हूं हरीश पांड्या को हमारे बीच में, जोरदार ताली बजाओ। आइए जोड़ता हूं मैं
उस वेदना से जो देश की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ कुंवारे ऐसे हैं जो बुजुर्गावस्था की दहलीज पर पहुंच गए, फिर भी उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। मैं आदरणीय कमल दादा जैसे उन कुंवारों को समर्पित करता हूं। बहुत अच्छे कमल जी, सुनो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान शादी हो जाए, उनकी वेदना रखता हूं। बाल पके बूढ़े से हो गए मिला न कन्यादान, प्रभु तो शादी का वरदान, प्रभु तो शादी का वरदान, बांध के सहरा हम भी जग में पालेंगे सम्मान, प्रभु तो शादी का वरदान, प्रभु तो शादी का वरदान। पूरे फ्रेंड सर्कल की शादी हो गई, ये अकेले रह गए। सब मित्रों की शादी हो गई, गर्ल फ्रेंड भी न्यारी हो गई, कुछ बन गए अब मम्मी पापा, कुछ भगवान को प्यारी हो गई, जीवन की नदियां के तट पे कहां करे स्नान, शादी का वरदान, प्रभु तो शादी का वरदान। देखिए जब लड़कियां नहीं मिलती हैं तो वो मोहल्ला पड़ोस में ही देख लेते हैं कोई मिल जाए, लेकिन हादसा क्या होता है, बाजू वाली लड़की भाग गई, खबर सुनी तो सांस अटक गई, बाजू वाली लड़की भाग गई, खबर सुनी सांस अटक गई, जिसे देख भरते थे आहें, अरमानों पे पत्थर पटक गई, और भगी भी कौन के साथ, करिया मरिया से मोड़ा में देख लियो सलमान, प्रभु तो शादी का वरदान। और अब तो हद हो गई अंतिम पंक्तियों में, सनी लियोनी कैट सुख छीना, सनी लियोनी कैट करीना, इनने जीवन का सुख छीना, लगा लगा कर क्रीम पाउडर, लड़की ढूंढे 12 महीना, दो बच्चों की अम्मा कहने लगी है मामू जान, तुम्हारा गांव पिपरिया बड़ा प्रसन्न होगा कि हमारा लड़का वहां गया और उसने कमाल कर दिया, क्या बात है। आइए हमारे जो मेहमान हैं उनसे पूछते हैं, उन्हें कैसा लगा। अंजलि, आपकी कविता सुन के हमें डर लगने लग गया है तीनों को, ऐसा लग रहा है वो जो रिश्तेदार कहते हैं ना आगे का क्या सोचा है, शादी कब करनी है, ऐसा लग रहा है अब उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, समय रहते नहीं समय से पहले आई थिंक हम तीनों
ये फैसला ले लेंगे अपनी शादियों का। हाँ, ताकि इस तरह के गीत ना गाना पड़े। Yes. सही बात है भाई। लेकिन आई थिंक एज अ कैरेक्टर यश तो भैया बहुत ही डर गया, क्योंकि कुंडली मिलन में यश की कुंडली में है दोष। जिस भी लड़की से होगी उसकी शादी वो 90 दिन में हो जाएगी भगवान की प्यारी। ओ, अच्छा ऐसा है। तो अब इनकी कविता सुन के मुझे लग रहा है कि शादी होगी नहीं होगी, होगी तो किससे होगी, और हो गई तो टिकेगी या फिर। ये तो यश की बात हुई, और अंकित की क्या बात है? अंकित तो अभी क्या था वो कैट करीना वही है सुन दीना। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा, कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप तीनों यहाँ बड़ा आनंद उठा रहे हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है, और ये आनंद जीवन में बना रहना चाहिए। और जीवन में आनंद तब होता है जब मोहब्बत हो जाए। अगर मोहब्बत हो जाए तो वो जज्बा ही आपको अकेले बैठ के मुस्कुराने के लिए काफ़ी होता है। वो जज्बा आपको मोहब्बत की ताप देता है, और जज्बा हर वक्त सिर्फ गुलाब देता है। और इस गुलाब जैसी मोहब्बत के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ रौनक पारिक को हमारे बीच में। आए सबसे पहले शिमारू टीवी का और शैलेश्वर आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया। सभी लोगों का और कुंडली मिलन की टीम को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जयपुर से आया हूँ और प्रेम का कवि हूँ, प्रेम पर लिखता हूँ, सो सीधे सीधे मैं प्रेम की बात करता हूँ। तुमको देखा तुमी में मगन हो गए, तुमको देखा तुमी में मगन हो गए, अब तुम्ही बस हमारे व्यसन हो गए। अरे अब तुम्ही हमारे व्यसन हो गए, क्या बात है, क्या काफिया लाए हो भाई, वाह। अब तुम्ही बस हमारे व्यसन हो गए, गीत गजलें लिखी जो तुम्हें याद कर, अब हमारे लिए वो भजन हो गए। कुछ लोग हैं जो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। तू खुद ही नहीं मुस्कुरा रहा, मुस्कुरा के पर रौनक। बिल्कुल सर। हाँ सुनिएगा, यहाँ मौजूद तमाम चेहरों के नाम एक नजर भर देख लो आराम हो जाए, हाय हाय, एक नजर बस देख लो आराम हो जाए, जुल्फे सुनहरी शाम हो जाए, रब के निखारे रूप सब खामोश बैठे हैं, रब के निखारे रूप सब खामोश बैठे हैं, मुस्कुरा भर दो तो अपना काम हो जाए, मुस्कुरा भर दो तो अपना काम हो जाए। और ये अंतिम मैं नए नए प्रेमियों के नाम समर्पित कर रहा हूं कि इश्क में क्या करना चाहिए। बता बता। कि इश्क में लफ्जों को रहने दो तो अच्छा है, क्या बात है, इश्क में नजरों को कहने दो तो अच्छा है, प्यार की बातें न समझे बढ़िया। इश्क
हम तुम तक ही रहने दो तो अच्छा है, पर इश्क हम तुम तक रहता नहीं है मित्र। कितना भी छुपाने की कोशिश करें, इश्क की खुशबू फैल ही जाती है, और फैलनी भी चाहिए क्योंकि इश्क बड़ा मासूम है। तब मुझे शायर के दो शेर याद आते हैं, वो कहते हैं कि इश्क बड़ा मासूम है, उसको फंस जाने की आदत है, और हुस्न बड़ा चालाक है, उसको फुसलाने की आदत है। हुस्न बड़ा चालाक है, इसको फुसलाने की आदत है, और इश्क बड़ा मासूम है, इसको फंस जाने की आदत है। और देखो बालम सपने में तुम आना जाना बंद करो, तुम क्या जानो नींद में हमको बतियाने की आदत है। तो इसलिए इश्क जो है वो छुपता नहीं, और छुपना नहीं चाहिए, और अगर छुपा के रखा भी जाए तो अपने तक रखो। आपके दिल को तो पता ही है कि आप इश्क में मुब्तला है। हमारे तीन मित्रों को कैसा लगा, मैं उनसे पूछना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा, जैसे आपने इंट्रोडक्शन भी दिया था प्यार के बारे में, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताकर एग्जैक्टली वैसे ही वो आए, और उन्होंने जो भी सुनाया बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारा था। देखा मैंने, तुम बड़ा एंजॉय कर रही थी इसको। यस, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, और जब आपने कहा कि मुस्कुरा दो काम हो जाए, तो आई वॉज स्माइलिंग ईयर टू ईयर। बहुत अच्छा, तेरा काम हो गया रोना। नहीं, पता नहीं किसके लिए था, पर मैंने तो स्माइल किया। पता नहीं किसके लिए था, आप पता नहीं, आपको भी नहीं पता। या आपको तो मन में पता है किसके लिए था। आई वॉज अज्यूमिंग मेरे लिए होगा। यश, आपको कैसा लगा? इनकी कविता सुन के मुझे लग रहा है कि मोहब्बत तो भाई कर लेनी चाहिए। अब इन्होंने कुछ टिप्स तो दे ही दिए। अरे अपन तो कर भी लें, सामने वाले की गारंटी क्या है यश। क्या किया जाए। यस प्राची, रौनक जी आप रौनक ले आए। बस इतना कहना चाहूंगी, बहुत अच्छी लगी आपकी कविता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर थोड़ा सा और ज्यादा हंसिए, थोड़ा सा और ज्यादा मुस्कुराए कीजिए, बहुत अच्छा लगते हैं। आप तीनों आए, बड़ा अच्छा लगा, और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस वक्त तो हम एक छोटा सा काम करते हैं, है? बिल्कुल छोटा सा काम करते हैं, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। क्या है, जिंदगी में कॉमर्स बड़ी जरूरी है, और कॉमर्स के लिए अगर टेलीविजन चलाना है तो विज्ञापन बड़े जरूरी है। तो आप और मैं दोनों मिलकर कुछ देर विज्ञापन देखते हैं, और आइए पढ़ाते हैं मैं बिल्कुल आगे, और उन्हें बुलाते हैं जो राजस्थान से हमारे बीच में आए और अपना मुंह पोंछ रहे हैं जैसे साफ हो ही जाएगा। मुंह साफ करने के प्रयासों को निष्फल करते हुए बुला रहा हूं कमल माहेश्वरी को, जोरदार तालियों के साथ। मोहब्बत की बहुत सारी बातें चल रही है, बेवफाई की भी बातें हुई। एक छोटी सी हास्य सनिका मैं सुनाता हूं, सुनिए। हाँ। मेरे पड़ोस में एक आदर्श जोड़ा रहता है। अच्छा। जिसने मोहब्बत के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा। मैंने एक दूसरे पड़ोसी से पूछा, किस बलबूते से इनकी मोहब्बत इतनी गहरी है? तो पड़ोसी ने कहा, तुझे नहीं मालूम, पति कवि है और पत्नी बहरी है। एक नया दृश्य आपके सामने रखता हूं, आशय व्यंग्य का कवि हूं, सुनिए। सुनाओ। कॉलेज की कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। किस कॉलेज में पढ़ती है? पढ़ती नहीं है, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाने गया वहां मेरे साथ क्या हुआ वो बता। प्रोफेसर बनकर जब मैं पहली बार कॉलेज गया तो मुझे आ गई अपने आप पर ही दया। मेरे आदर्शों को ऐसी लगी ठोकर कि कॉलेज में कदम रखते ही एक लड़के ने की मुझे सिगरेट ऊपर। अच्छा। मैंने उसे हल्का सा डांटते हुए कहा कि क्या तेरा यह संस्कार है? तो उसने अपने जेब में हाथ डाला और तुरंत एक रिवॉल्वर निकाला, कहा, मेरे संस्कार की छोड़ो, मुझे लगता है तेरा अंतिम संस्कार। मैं हड़बड़ाते बड़बड़ाते थोड़ा आगे बढ़ा, तभी एक लड़की के न जाने क्या जुनून चढ़ा, वो एक गुलाब का फूल लेकर एक आंख मिचाते हुए मुझसे करने लगी प्रपोज। आई एम रोजी, प्लीज मिले रोज। मैंने कहा, रहा है तो यहाँ करने आई है मौज। कैंटीन के पीछे देखा, दो तीन लड़के पी रहे थे बियर। मैंने वहां से लगाया बैग गियर। जैसे तैसे ऑफिस के सामने गया,
तो वहां तो लड़कों ने शिक्षा का ऐसा गिराया लेबल कि पटाने की जगह चिपका दिया पटाने का टाइम टेबल। हाँ, पढ़ाने की जगह पटाने का, पटाने का टाइम टेबल। फर्स्ट मुस्कुराने का, सेकंड बहलाने का, थर्ड शारीरिक ज्ञान, फोर्थ आखिर में रचनी थी हिस्ट्री, स्टूडेंट की ऐसी थी केमिस्ट्री। इसके बाद भी किए गए प्रयास, गेम्स रूम में बॉल से ताकना, लाइब्रेरी में किताबों की ओर से झांकना, कैंटीन में बुलावे के लिए चाय की चुस्की और गार्डन में फूल फेंकने का मामला इसकी। अजब के तौर तरीके, गजब के काम, हैरान रह गया मैं इनके सुन सुन के नाम। और देखना सर भाई साहब कैसे कैसे नवीन मानवीय उत्पादों के नाम है कि जैकी, पिंटू, बॉबी, डिक्की, टोनी, मोनी, सोनी, टिक्की, रीटा, सीता, बुल्लू, पिंकी, एरी, मेरी, टेरी, टिक्की, निकू, मिकू, रिकू, विकू, एकू, टेकू, रेकू, जिकू, जोनी, मोनी, बोली, डोली, ऐसे नामों की टोली। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने कहा रहा जैसे काम वैसे इनके नाम, जैसे इनके काम वैसे इनके नाम, इनमें से कहां से आएगा मोहन और कहां से आएगा राम। मैंने कहा रहा यारों, संस्कृति के हत्यारों, जरा सोचो तो सही, क्या इंसान व कुत्ते में नाम मात्र का भी फर्क नहीं? वाह, क्या इंसान व कुत्ते? वाह वाह, क्या बात है। नहीं, नामों में फर्क तो होना चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल बताया जो संस्कृति हमारी जा रही है, बिल्कुल सही कह रहे, पेड़ों के पीछे इधर लड़के लड़कियां खड़े रहते हैं, गलत बात है। ये जो हो रहा है इन दिनों में बड़ा गड़बड़ है। जैसे एक लड़का लड़की पेड़ के पीछे खड़े हुए थे तो वो तुम्हारे जैसे अंकल ने देख लिया जाते वक्त, ये तुम्हारी संस्कृति है? बोले वो तो आज कॉलेज आई नहीं है तो पूजा है। हमारे दोस्तों को आपका काव्य पाठ कैसा लगा उनसे पूछते हैं। जी बताएं शुभांशी। जैसे कि आपने बताया संस्कृति के बारे में, सही बात है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और उसे नहीं जाने देना चाहिए। मैं सारी यूथ को भी यही कहूँगी, क्योंकि ये जो हल्कापन आ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, प्यार में, हर चीज़ में, वो नहीं आना चाहिए। तो आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ मैं, आप दोनों की बात से। यश उर्फ अंकित जी, मैं तो ये कहूँगा कि यू नो, जब मैं वाह भाई वाह में आया था, मुझे लगा था कि यू नो कविताएँ सुनेंगे और शेर व शायरी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे सबका योनर इतना अलग है कि दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो। यू नो, आपने इतने सारे सुंदर सुंदर नगीने जो इकट्ठे किए हैं ये खूबसूरत सा हार बनाने के लिए, सो आई मस्ट से भाई वाह भाई वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि कमल जी इतने प्यारे हैं कि उनको देखते ही मुझे हंसी आ गई थी। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनको देखते ही हंसी आ जाती है, सो बहुत अच्छा लगा। भाई मेरे को देखते ही हंसी आ गई, अच्छी बात है। हालांकि मैं तो अंकल टाइप हूँ, वरना हसीर पसी ये होता है। नहीं, नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे इसलिए हंसी नहीं आई कि आप बुरे दिखते हैं, मुझे इसलिए हंसी आई कि आप अच्छा कुछ सुनाने से पहले ही हंसी आ जाती, वो कैरेक्टर है, ये कहना चाह रही थी मैं। मतलब बहुत अच्छा लगा, कॉमेडी घुसी हुई है। इसके आगे मैं कमल माहेश्वरी जी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं उसी माहौल में एक ऐसी कविता के लिए बुलाना चाहता हूं हमारे बीच उपस्थित ज्योत्सना कलकल को, जो कविता बड़ी जरूरी है। इन दिनों आए दिन हम अखबार में खबरें पढ़ते हैं कि बच्चे पढ़ाई के बोझ के मारे जब बोझ नहीं उठा पाते और मृत्यु का वरण कर लेते हैं, कोटा से ऐसी खबरें आती है और जहां जहां भी ऐसे कॉलेज है वहां से ऐसी खबरें आती है कि बच्चे कूद जाते हैं और परफॉर्मेंस प्रेशर में आ जाते हैं। मैं खासतौर पर माँ बाप को कहना चाहूंगा, अपने बच्चों पर इतना बोझ मत डालिए, पहले देखिए कि वो करना क्या चाहता है, उसे ट्रॉफी मत बनाइए। मैं खुद 8x8 के कमरे में पला, बड़ा लोअर मिडिल क्लास का लड़का, और जिंदगी की दौड़ में हम यहां तक आए क्योंकि हमारे माँ बाप ने हम पे बोझ नहीं डाला कि तुम्हें यही बनना है। जब जब आप बोझ डालते हैं बच्चे उस बोझ को सह नहीं पाते, और जब बोझ को नहीं सह पाते तो उन बच्चों के लिए संदेश के रूप में एक अद्भुत कविता के लिए मैं बुला रहा हूं ज्योत्सना कलकल। जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश में कई बार विफल होने के बाद एक खास युवा वर्ग जिसे हम एस्पिरेंट्स कहते हैं, आत्महत्या जैसे कदम लेने पर मजबूर हो जाता है, जो कि बड़ा दुखद है। उसी विषय पर एक छोटी सी कविता तैयार की है, और मैं खास तौर से वाह भाई वाह के मंच से इस कविता को
पूरे देश में और पूरे विश्व में फैलाना चाहती हूँ इस संदेश के साथ कि केवल सफल होना जरूरी नहीं है, जिंदा दिल रहना और इस बात को समझना ये ज्यादा जरूरी है। तो प्रस्तुत है, एक लक्ष्य 2 साल, 3 विषय हजारों सवाल। एक लक्ष्य 2 साल, 3 विषय हजारों सवाल। हर रोज सुनोगे जान लगा दो, पढ़ाई के अलावा सब कुछ भुला दो। हर रोज सुनोगे जान लगा दो, पढ़ाई के अलावा सब कुछ भुला दो। प्यारे बच्चे, जान लगा देना पर जान गंवाना नहीं। जान लगा देना पर जान गंवाना नहीं। बेशक डूब कर मन लगा कर पढ़ो, उछल कूद कर नाच गा कर पढ़ो। दीवारों पर फॉर्मूले फेंको, दीवारों पर फॉर्मूले फेंको। सपनों में आइंस्टाइन को देखो, फोकस पर अड़े लेंस हो जाओ। मानचित्र में जगह ढूंढते ढूंढते अपनी अलग जगह बनाओ। लेकिन जोश में आकर इस घेरे से ही बाहर नहीं चले जाना है। लेकिन जोश में आकर इस घेरे से ही बाहर नहीं चले जाना है। भावना और संभावनाओं के बीच संतुलन बिठाना है। क्या बात? भावना और संभावनाओं के बीच संतुलन बिठाना है, क्योंकि स्थिर रहने का मूल मंत्र यहीं से सीखोगे। स्थिर रहने का मूल मंत्र यहीं से सीखोगे। दुनिया तो केवल शिखर की बात करेगी, संघर्ष सिर्फ तुम देखोगे। अच्छा, डॉक्टर, इंजीनियर, IITian या IAS जो भी बनोगे, हंसते मुस्कुराते ही तो अच्छे लगोगे। और अभी जाने किस किस तरह के ख्यालों में गुम हो, अभी तो जाने किस किस तरह के ख्यालों में गुम हो, पर बात सुनो, माँ बाप की सिर्फ आस ही नहीं, आसमान भी तुम हो। सब कुछ अकेले झेल पाओ, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सब कुछ अकेले झेल पाओ, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। लेकिन जी तोड़ मेहनत ना कर सको, इतने छोटे भी नहीं हो। और एक जरूरी बात, ये जो तुम बार बार कहते रहते हो ना कि अभी मैं बच्चा नहीं रहा, बिल्कुल यही साबित करके दिखाना है। बिल्कुल यही साबित करके दिखाना है, कायर नहीं, तुम्हें मजबूत और जिम्मेदार बनकर दुनिया के सामने आना है। सुनो, जरा सर उठाकर देखो, सुनो जरा सर उठाकर देखो। ये धरती और आकाश तुम्हारी ही मदद के लिए अड़े हैं। ये धरती और आकाश तुम्हारी ही मदद के लिए अड़े हैं। अवसर जाने किस किस तरह के, सिर्फ एक तुम्हारे ही इंतजार में खड़े हैं। और ये ना मिला, बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं भी मिलता। और ये ना मिला तो वो पालोगे, ये ना मिला तो वो पालोगे। बस तुम एक अपने आप को संभाले रखना, बस तुम एक अपने आप को संभाले रखना। यकीन मानो, तुम पत्थरों में से भी अपनी राह बना लोगे। यकीन मानो, तुम पत्थरों से भी अपनी राह बना लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये थी जोशना। कल मैं पूछना चाहूंगा हमारे मित्रों से, कैसा लगा उन्हें सुन के? प्राची, ये जो मोटिवेशन है, जो आप मोटिवेशन आपने अपनी कविता के थ्रू दिया है हम सबको, वो बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच। यस, बहुत अच्छा। सर, मैं एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली से बॉम्बे आया था, सो ऐसा भी एक टाइम था जो आई एम श्योर बहुत लोगों को पता है, मेरे फैंस को, कि सर बिस्किट एंड पानी, दैट वॉज इट। तो ऐसा भी टाइम था जब रेंट के पैसे नहीं थे। आई एम श्योर हम बहुत सबके साथ ये हुआ है, जिंदगी सबको। बट जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं, बट मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सपोर्ट किया, यू नो मेंटली उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सो यहाँ मैं ये स्ट्रगल नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी माँ बाप, जैसा कि आपने कहा, देख रहे हैं, अपने बच्चों पर प्रेशर मत डालो। बिकॉज आप एकदम सही कह रहे हैं कि इतने एवेन्यूज हैं आज कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर कर जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ट्रॉफी मत बनाओ बच्चों। Exactly. Don't make them trophy. जो आप नहीं कर पाए, आप वो अपने बच्चों से अगर कराना चाहते हैं तो वैसा मत कीजिए, उन्हें वो करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं। That's all. Thank you. शुभांशी, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप कह रही थी तो मेरे गूज बम्स थे थ्रू आउट। हमेशा ही कहती हूँ, लेकिन अभी मैंने अपनी फैमिली के लिए और भी ज़्यादा ग्रेटफुल फील किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने इस स्टेज पे आके इतनी ज़रूरी बात कही, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से आती हूँ और मैंने बहुत अपने
दोस्तों को कभी ना कभी बल्कि अक्सर इस प्रेशर से गुजरते हुए देखा है। शुभांशी, होता यह है हमारे खास तौर पे हमारे इस देश में, इस देश का 80% सच वो है, जब सुबह चूल्हा जलता तो ये पता नहीं होता कि शाम को इस पर तवा होगा या नहीं होगा। बहुत सारे पेट को ये पता नहीं होता कि इसमें आज कोई दाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। जिन बच्चों के कदमों को स्कूल की तरफ होना चाहिए वो ट्रेन में बूट पॉलिश करते पाए जाते हैं, और वो सारा जो लोअर मिडिल क्लास माहौल है वहाँ एक ही चीज़ जिंदा रखती है, वो है सपने। वो जो सपने होते हैं ना, और सपने बहुत बड़े भी नहीं होते, स्कूटर खरीद लें, किराए के मकान से घर के मकान में चले जाएं, जो अपना मकान हो, बहन की शादी ठीक ठाक हो जाए। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ ये सपना देखते हैं कि एक महीना उधार न लेना पड़े। उन स्थितियों में बैक ऑफ द माइंड मानसिक तौर पे लगता है कि यार ये जो बच्चा ये थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो उस पर इतना प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा जो सफल लोग हैं वो ज्यादा करते हैं, मैंने देखा। जो डॉक्टर हैं वो चाहते हैं हमारी औलाद डॉक्टर ही बने, जो इंजीनियर है वो चाहते हैं हमारी औलाद इंजीनियर ही बने, जो प्रशासनिक सेवा में वो चाहते हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी बने। आज हम आपके लिए विशेष रविवार के दिन इसलिए आए क्योंकि कल एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है शिवा उमंग पर, ठीक शाम 7:30 सोमवार से शनिवार, और ये कार्यक्रम है कुंडली मिलन। और कुंडली मिलन के तीन खूबसूरत सितारे आज हमारे बीच में हैं जो इस वाह भाई वाह कार्यक्रम में आए, इन्होंने कविता सुनी। मैं सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा कुंडली मिलन जरूर देखिएगा, वाह भाई वाह तो आप देखते ही हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद रचा, अंजलि और यश का कि आप यहाँ आए हैं। एक बार मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अपने अपने माइक लेके यहाँ तक आए, हम स्वागत करेंगे यश अंजलि और रिचा का। तो इस मोड़ पे जब कल आपका शो प्रारंभ होने वाला है, आज वाह भाई वाह अब पूरा एपिसोड हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या महसूस किया? हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों का शो, वाह भाई वाह, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आप सभी की परफॉर्मेंसेस, जितनी भी आप लोगों ने जो भी दिया, बहुत अच्छा लगा। खासकर मैम का बहुत मोटिवेट किया आपने, थैंक यू इसके लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने अपने प्रमोशंस की शुरुआत आपके शो पे आके की, और बस ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसे आप इस शो को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, हम भी बहुत ही प्यार से आपके लिए शो बना रहे हैं, प्लीज़ देखना और अपना प्यार ऐसे ही हमें भी देते रहें। क्या बात है। वेल, मैं भी यही कहूँगा कि यहाँ पर तो वाह भाई वाह इतना अच्छा शो है कि हम सब देखते हैं, हमारे घर वाले देखते हैं। तो आप शिमारू उमंग पे 7:30 कुंडली मिलन ज़रूर देखें, क्योंकि यश अंजलि और रिचा आपके घर आ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सो आप इसे ज़रूर देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत खूबसूरत प्रोमो था, प्रोमो जिसने डायरेक्ट किया, दीपक के लिए ज़ोरदार तालियां, बहुत खूबसूरत प्रोमो। तो ठीक 7:30 शिमारू उमंग पे कल से प्रारंभ हो रहा है कुंडली मिलन, और इस शो को भी आप उतना ही प्यार दीजिए जितना आपने वाह भाई वाह को दिया है। देखते रहिए, और जिंदगी में मिलन बड़ा जरूरी है। आइए हम मिलन करें हंसी से, आइए मिलन करें खुशी से, आइए मिलन करें मुस्कुराहट से, आइए मिलन करें तबस्सुम से, आइए मिलन करें एकता से, आइए मिलन करें अखंडता से, आइए मिलन करें उस हर चीज से जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और जिंदगी को मोहब्बत बनाती है, ताकि इस कुंडली के मिलन के लिए हम सब मिलकर कह सकें वाह भाई वाह। हंसी आ गए, ठाके आ गए, कथाएं और आ गई है गजलें, और आ गया है ऐसा माहौल जो कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ वो है जो भारत है, यहाँ वो है जो हमारी संस्कृति है, यहाँ वो है जो हमारे संस्कार है, यहाँ वो है जो हमारी भाषा है, यहाँ वो है जो हमारे मन के भीतर है, यहाँ वो है जो जहन में है, यहाँ वो है जो हृदय में है, या शब्द है या अल्फाज है या रजीफ है या काफिए हैं, यहाँ हंसी की एक नई है राह, क्योंकि ये है वाह भाई वाह। और हंसी की राह तो इस देश में कहीं भी हो सकती है। मैंने बताओ, हमारे देश के लोग जो है ना कमाल के हैं, बड़ा कमाल के हैं सब। किसी ना किसी से पूछा
कि भैया किसी की परेशानी जाननी हो तो क्या करना चाहिए। तो दो तीन लोग बैठे थे, बताइए किसी की परेशानी जाननी हो तो उसके जीवन में कितनी परेशानी है तो क्या करना चाहिए। तो पहले ने कहा भाई उसे प्यार से बिठा के समझाना चाहिए कि भाई जीवन में सब मुश्किलें आती रहती हैं, क्या दिक्कत है, तो अपनी परेशानी आपसे शेयर कर लेगा। दूसरे ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे परेशानी नहीं बताएगा, पहले आप उसे अपनी परेशानी बताओ, जब आप बताओगे तो वो भी बताने लग जाएगा कि मेरे साथ भी ऐसा चल रहा है। तीसरा बोला तुम बहुत ही पागल जैसी बात है, इतना टाइम खराब कर रहे हो, पास बिठाओ बात करो अपनी परेशानी बताओ, एक सेकंड में अपनी परेशानी बता देगा, कैसे उधार मांग लो बस। सारी परेशानी मेरे ये चल रहा है, मेरे वो चल रहा है, ये कभी एक सेकंड में, ये हमारे पास इलाज है ना लोगों के, हमारे देश में सब सब कमाल के लड़के कमाल के, फॉरेन में अगर किसी का कोई टीचर बेचारा कोई मुसीबत में तो बच्चा जाके बचाएगा, चिल्लाएगा, जैसे अमेरिका के अंदर मान लो कि टीचर का भगवान न करे कहीं चोट वोट लग जाए तो बच्चा बुला के लाएगा, 911 पे फोन करेगा, पुलिस को बुलाएगा, फायर ब्रिगेड को बुलाएगा, किसी को बुलाएगा कि मेरे टीचर मुसीबत में है भाई। और भी कोई देश होगा तो और किसी को नहीं कर पाएगा तो अपने पेरेंट्स को फोन करेगा कि मेरे टीचर मुसीबत में। हिंदुस्तान में एक गाँव में एक बच्चा स्कूल जा रहा था तो देखा हेडमास्टर साहब नदी में डूब रहे, बचाओ बचाओ चिल्लाते, बचाओ बचाओ, वो वही से कल छुट्टी है मैं स्कूल की। कमाल है ना, महापुरुष है हमारे यहाँ। और महापुरुषों से मुझे याद आया, एक गांव में एक महापुरुष आया, अद्भुत, इतना संयम, इतनी शांति, इतना धैर्य, जैसा इस लड़की के चेहरे पे जो है बैठी है दूसरी लाइन में कोने में, एकदम ये ताली भी जैन मुद्रा में ही बजाती है, तो महापुरुष है, इतना संयम, इतना धैर्य, इतनी शांति, मतलब हर वक्त मुस्कुराहट। अब जो भी उनके पास जाए कुछ भी बात कर दे, अगले को गुस्सा ही नहीं आता, पेशेंस, शांति, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गाली भी दे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपशब्द बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो एक पत्रकार आया इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको ये सिखाया इतना धैर्य? हमारा कोई गुरु नहीं है। तो बोले फिर सीखा कैसे? 20 साल तक एक साड़ी की दुकान में सेल्समैन था, ऐसा धैर्य जीवन में नहीं आ सकता। ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, ये कलर दे दो, इस कलर में ये प्रिंट बता दो, इस प्रिंट में सफेद है क्या, ये सफेद में थोड़ा छोटा फूल नहीं है, फूल के साथ डंडी नीली मिलेगी क्या, इसका फॉल पीको भी तुम कर दोगे क्या, भर जाए बेचारा आदमी करे क्या। लेकिन जीवन में धैर्य चाहिए, शांति चाहिए, संयम भी चाहिए। और कविताएं लिखना बड़ा धैर्य का काम है, और सुनाना उससे बड़े धैर्य का काम है, और सुनना तो और धैर्य का काम है, लेकिन वो धैर्य एक सुखद परिणाम देता है। आज हमारे साथ ऐसे तीन कवि हैं जो ऐसा कुछ सुनाने वाले हैं जिनके लिए आप कहेंगे वाह भाई वाह। आइए उनसे परिचय करते हैं। सबसे पहले इधर जो बैठे हैं वो है कैलाश सोनी सार्थक, जो हमारे बीच में आए हैं नागदा मध्य प्रदेश से। उनके पास जो बैठे हैं इब्राहिम सागर, वो धुलिया महाराष्ट्र से हमारे बीच में, एक ऐसा शायर जिसके शेर देश भर में कई कवि कोट करते हैं, सुनाते हैं, और लोग नहीं जानते कि शेर उनका है। आज हम अर्जुन सिंह चांद जो झांसी से हमारे बीच में आए हैं उनका स्वागत करते हैं। जो मेरा छोटा भाई है और मुझे बड़ा पसंद है, इसके शेर बड़े कमाल के, तो आज हम सुनेंगे। आज तुम दोनों जाओ यार, मैं अर्जुन को ही सुनता हूं। आगे तो सुनाना है ना, क्या बोलते हो, इनकी तरफ क्या देख रहे हो? नहीं नहीं क्या मतलब, नहीं मैं तो दोनों को ही नहीं बुला रहा हूं। मैं तो सोच रहा हूं आज मैं सिर्फ अर्जुन को सुनूं, क्या बोलते हो तुम? ठीक है, जी सुनने के पैसे मिलेंगे, क्या दिक्कत है। आओ इब्राहिम सागर, जोरदार तालियों के साथ।
सबसे पहले शैलेश सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में दिव्यांगजन कोटा रखा है, वरना ये दिव्यांगजन जो कोटा है वो हर जगह दस्तियाब नहीं होता है। ऐसा नहीं है, देखो एक मैं तुम्हें एक बात बताऊं। जी जी। सबसे पहले तो तुम अपने को दिव्यांग मत मानो। जी जी जी। क्योंकि ये जरूर है कि खुदा ने एक चीज तुम्हें नहीं बख्शी, जी जी, लेकिन इतनी बड़ी कलम की ताकत बख्शी है जिसके सामने कुछ भी नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। यही से मैं मतलब पेश कर रहा हूँ सर। इरशाद, हाथ में भी दम नहीं और पाँव में भी दम नहीं। हाथ में भी दम नहीं और पाँव में भी दम नहीं, फिर भी यारो सागर एक हस्ता किसी से कम नहीं। क्या बात है, एक मुकम्मल अजल। एक लोफर तेरे कूचे से गुजर सकता है, रात के 12 बजे वो फोन भी कर सकता है, इतना इतरा के न चल मेरी बिपाशा बासु। इतना इतरा के न चल मेरी बिपाशा बासु, उम्र ढलते ही तेरा भाव उतर सकता है। मच्छर को भूख प्यास का वो हल बताएगा, मेरे लहू का जायका खटमल बताएगा। मच्छर को भूख प्यास का वो हल बताएगा, मेरे लहू का जायका खटमल बताएगा। बच्चे हो या जवान बिगड़ जाएंगे सभी, बच्चे हो या जवान बिगड़ जाएंगे सभी, जब जब वो बेहयाई का चैनल बताएगा। वाह 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 वाह। चमचा गिरी की जिसको है आदत वो आदमी मखमल को टाट टाट को मखमल बताएगा। वाह वाह। कोई सानी तेरा नहीं मिलता, तेरे जैसा गधा नहीं मिलता, दूध का पाउडर चला जब से, दूध का पाउडर चला जब से, चाय में वाका नहीं मिलता। और रूट कर क्या चली गई बेगम शैलेश भाई, रूट कर क्या चली गई बेगम, जिंदगी का मजा नहीं मिलता। और मरने वाला तो मर गया लेकिन, मरने वाला तो मर गया लेकिन कब्र का कुछ पता नहीं मिलता। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इब्राहिम। इब्राहिम बड़े कमाल के शायर हैं, मिजा भी उनके पास है, तंज भी उनके पास है, बड़ी संजीदगी भी उनके पास है। मतलब कुल मिला के तुम सागर हो जिसमें हर चीज है, और सार्थक बात करते हो, और जब सार्थक बात करते हो तो सार्थक तुम्हारे पास बैठे। मैं चाहता हूँ कैलाश सोनी सार्थक यहाँ है। आदरणीय शैलेश जी को प्रणाम करता हूँ, शे मारू टीवी के सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक शेर आदरणीय शैलेश जी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा सेठ इतना कार्यक्रम आज ऊंचाई पर पहुंचा है, उसके लिए एक शेर। कि जो पसीने की स्याही से लिखते अपने इरादों को, जो पसीने की स्याही से लिखते अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। क्या बात है, आपने ये शेर सुनाया पसीने पे, तो मुझे हस्ती मल हस्ती जो एक बड़ा कमाल के शायर हैं, और उनकी गजल तो बड़ी मशहूर हुई, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हस्ती मल हस्ती एक शेर कहते हैं कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला। क्या बात, सुकून जिसे कहते हैं अक्सर नहीं मिला, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला। वाह। और चेहरे पे ये चमक पसीने की है जनाब, हमें विरसे में कभी कोई जेवर नहीं मिला। वाह, क्या बात, क्या बात। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ आज के परिवेश पर। अब हम शांति से रहेंगे, पति पत्नी में ये फैसला तगड़ा हुआ। अच्छा, अब हम शांति से रहेंगे, वो शांति से कैसे रहेंगे इस पर जमकर झगड़ा हुआ। अरे बहुत बढ़िया, बहुत। इस युग में प्रेम और अपनापन हम खोने लगे हैं, वो शांति से कैसे रहें इस पर भी झगड़े होने लगे। क्या बात, क्या बात। चार पंक्तियां आज के परिवेश की देखिएगा, के पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी। भाई इसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार वो होता है जब वाक्य में हर शब्द का प्रथमाक्षर समान हो। आज तक बचपन से हमने सुना था चंपक, मतलब
चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का इतना प्रयोग पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये ऐसा वाला। पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी, आए हाय। पप्पू के पापा ने पड़ोसन को पप्पी दी, इधर पप्पू की मम्मी को पड़ोसी ने जादू की झप्पी दी। अच्छा, मोहब्बत इस तरह मोहल्ले मोहल्ले में फल रही है और हमें क्या पता किस घर में मिली जुली सरकार चल रही है। बहुत बढ़िया। एक टुकड़ी देखिएगा कि एक दिन एक वाक्या सरेआम हो गया, सोचा नहीं था ऐसा काम हो गया। एक औरत ने एक आदमी को पीटा, वहां खड़ी भीड़ ने उसे उठा उठा कर घसीटा, मार मार कर सारे लोग जब थक गए चल दिए वहां से उसे एक तरफ पटक गए, मगर औरत वहां पर अड़ी रही, उस आदमी के सामने जमी रही। उस देर के बाद पानी लाई, पानी पिलाकर उसकी पीठ चलाई। ये देख के मेरा दिमाग बिगड़ गया, मैं उससे जमकर झगड़ गया। पहले उसे इतना पीटा, अब पानी पिलाती हो, पहले दुश्मनी अब दोस्ती जताती हो। इतना मारा बेचारे को कि रुक जाती उसके सांसों की गति। वो औरत रोते हुए बोली, जी ये तो है मेरे पति। वो औरत बोली, ये तो है मेरे पति, कैसे बताऊं कि फूटी हुई तकदीर हमारी है, कैसे बताऊं कि इनको एक खतरनाक बीमारी है, वरना कौन पत्नी अपने पति को पीटे और पिटवाती है। पर क्या करूं, ये जब तक अच्छी मार नहीं खाते इनको नींद नहीं आती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। वाह, ये इतनी जानकारी पति को पीटने वाली आपको कैसे है? आपको नींद ठीक ठाक आ रही है इन दिनों? ये पूछना आवश्यक था, नींद आनी चाहिए आदमी। कैसे भी आए, इलाज है, हर आदमी का अपना इलाज है, नींद आनी चाहिए, क्या दिक्कत है। ईश्वर करे आपको बहुत अच्छी नींद आए, रोज नींद बढ़िया नींद आए, आपका भरपूर नींद के बारे में जो जो भी कार्यक्रम है वो आप प्रयोग सारे करें। प्रारब्ध आ रही है उस शेर को सुनने के जिसके शेर निश्चित तौर पर आपके दिल में उतर जाएंगे, ये मेरा वादा ही नहीं है, विश्वास है। झांसी के अर्जुन सिंह चांद। आइए दोस्तों, सीधे सीधे गजल से जुड़ता हूं और सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत आभार ज्ञापित करता हूं बड़े भाई शैलेश लोढ़ा जी का, जिन्होंने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मुझे काव्य पाठ का अवसर दिया है। मैं बहुत बहुत उनको शत शत नमन करता हूँ, शत शत अभिनंदन करता हूँ महारानी लक्ष्मीबाई की धरती की ओर से और अर्जुन सिंह चांद की ओर से। आइए सीधे सीधे जुड़ता हूँ। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, लश्कर भी सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, देखिएगा। इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो कहां जाए, इस दौर के फरियादी जाए तो तुम्हारा है। और लंबी गजल
है, केवल अच्छे तीन शेर पढ़ता हूँ, आखिरी शेर पढ़ता हूँ, आपके दिल में लग जाए ठक से, एहसास कराइएगा मित्रों कि सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले सा गजल का शेर पढ़ता हूं, सब सुनिएगा। वैसे तो हर एक शय में साया है तुम्हारा ही। वाह, वैसे तो हर एक शय में साया है तुम्हारा ही। वैसे तो हर एक शय में साया दुश्वार बहुत लेकिन दीदार तुम्हारा। अरे क्या बात है, लेकिन दीदार तुम्हारा, दीदार तुम्हारा है। और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत क्या बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। क्या बात है, आज की इस महफिल में कैलाश सोनी सार्थक, इब्राहिम सागर और अर्जुन सिंह चांद, इन तीनों ने चार चांद लगा दिए। एक चांद ये स्वयं है और बाकी आप दोनों ने मिलके डेढ़ डेढ़ चांद लगाया, तो कुल मिला के चार चांद लग गए। और ऐसे ही चांद लोज हम लगाते रहेंगे, आपके घरों में आते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह भाई वाह भाई।